करते हैं तो इधर इनकी स्कैनिंग और वो सब कुछ इधर ही होता है एट दिस प्लेस। स्कैनिंग होती है इस प्लेस पे, इनका मेडिकल चेकअप होता है कि दे आर फिट फॉर अमरनाथ यात्रा, देन वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। Hello, hi, Shashikar. We are at Pahalgam right now and we are with Dr. Kush. As you know, उनको बुलाएंगे तो फिर वही same words. Hi guys. लो आ गए. Here is Dr. Kush. सब कर रहे हैं पुरुष. So we are at our valley. This is very beautiful place here. Damn. Really nice. Very beautiful. Appreciated. वो लोग बहुत सारे कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ श्रीनगर। नदी के पास लकड़ियाँ जला के अपन करेंगे, नहीं करिए अपने को नहीं मिलेगा उधर ना। क्यों नहीं मिलेगा? A few moments later. जाते नहीं ये पिकनिक आते हैं स्कूल के बच्चे। ये गाड़ी आपको खुद का होता है कि रेंट का चलाते हैं? स्टैंड की गाड़ियाँ होती है। आप बस ड्राइवर है? आपको कितना देते हैं ये लोग पर डे का? हमको महीने के हिसाब से। क्या देते हैं महीने का? 4,500 महीना। भले चलो या ना चलो, नहीं जब चलेगा वो नहीं जब सीजन होगा। हाँ तब ही सीजन में होगा। जैसे पिछले 2 साल इधर बिल्कुल जीरो था। हाँ उस टाइम कहाँ देगा? उस टाइम तो गाड़ी खड़ी थी अपने अपने जगह पे, जंग लगाया था 2 साल गाड़ियों को इधर। 3 साल जब वो 317 हटाए ना, हाँ तब से तो इधर जीरो था। इस बार तो सीजन यहाँ पे अच्छा था। अब उसका डबल हो गया, डबल थी वाला ना।
बोल तो रहे 2.5 करोड़ लोग चले गए ट्रैवल करके। इतना टूरिस्ट आया कि पूछो मत। यहाँ 12 बजे के बाद ना स्टैंड में गाड़ी नहीं मिलता था, दून स्टैंड में भी। इस बार तो ठंड में भी अच्छा है ना? हाँ ठंड में भी आया, क्योंकि इस बार उतना ठंड नहीं रहा, उतना बर्फ गिरा ही नहीं। नहीं बट कश्मीर में तो जम गया था ना पूरा लेक वेक। नहीं वो तो जम गया कुछ टाइम के लिए, बाकी तो रोड जो था ना मतलब जो बर्फ ज्यादा रहते है वो सब बंद होता है। वैसे तो सर्दी तो बहुत था, सर्दी तो था, दिसंबर जनवरी में इधर माइनस होता है। अच्छा है ना, 2-3 महीने की खपत निकल जाएगा पूरा। बोल रहे अक्टूबर तक तो और 2 करोड़ पब्लिक चले जाएगी ट्रैवल करके। हाँ, अभी जो यात्री है ना, यात्री में थोड़ा सा टूरिस्ट कम आता है। हाँ, क्योंकि यात्री में टूरिस्ट को दिक्कत है, हर जगह तलाशी। हाँ, टूरिस्ट के पास तो सामान बहुत रहता है, यात्री के पास उतना नहीं रहेगा। बैग एक एक रहता है जिसमें गर्म कपड़े होते, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो उसको संभाल के साथ में रखना पड़ता है। टूरिस्ट को दिक्कत होता है यात्री में आना, क्योंकि चेकिंग इतना होता है कि पूछो मत, चेकिंग में पूरा दिन लग जाता है। वो चेकिंग वही होता ना पहले जगह, जम्मू से आपको इतना चेकिंग होगा फिर पूछो मत। कब से चालू हो रही, कितनी तारीख से? 1 जुलाई से एंडिंग अगस्त तक, 2 महीना इस बार यात्री है। तो इस बार कम से कम 12-13 लाख यात्री ने रजिस्ट्रेशन किया है। ओ हाँ, नहीं तो कुछ लोग तो होंगे ना जो यहाँ घूमने भी आएंगे, पहलगाम हो गया। हाँ, घूमने जो यात्री होते ना वो पहले दर्शन ही करता है। हाँ, फिर आते हुए घूमता है, क्योंकि वो चढ़ते यहाँ से उतरते हैं सोनमर्ग से, क्योंकि वहाँ से 14 ही किलोमीटर है, यहाँ से 32 किलोमीटर है। यहाँ गाड़ी से उतरने के बाद 25 किलोमीटर, वहाँ गाड़ी उतरने के बाद 14 किलोमीटर। मगर रास्ता जो मियन है पहलगाम से ही है, वो जो सोनमर्ग का रास्ता वो शैनपुर ने बनाया, ऐसा समझो ट्रामपुरी रास्ता है। बारिश आएगा तो रास्ता नहीं दिखेगा कहाँ से था, ये वाला प्रॉपर दिखता है। हाँ, ये तो जब से महाराजा हरि सिंह था ना कश्मीर का राजा, तब से वो रास्ता है महाराजा हरि सिंह का। उसने 370 रखा था ना, क्योंकि उसने समझो कश्मीर को खरीद रखा। तो उसने 370 इसलिए रखा कि यहाँ कोई नहीं खरीद सकता बाहर का जमीन। अब तो वो 370 हट गया, तो कहाँ लोग खरीद पा रहे हैं अभी? कहाँ, अभी जो ये डर है ना यहाँ से, इसकी वजह से नहीं खरीद रहा है। और वो भी पहलगाम में नहीं खरीदेगा, नीचे साइड में, क्योंकि वहाँ जमीन लैंडिंग ना बहुत है। आपने देखा होगा वहाँ बाग बगीचा बहुत है। तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पहाड़ चारों तरफ आप देख ही रहा है, जमीन यहाँ पे जमीन एरिया बहुत कम है, जमीन एरिया उतना नहीं है यहाँ पे। और यहाँ जो होटल भी हैं जैसे पहलगाम में भी, वो होटल भी किराए पे होंगे सारे अधिकतर जो 5 स्टार हैं? और सब लीज पे है 90 साल के लिए, गवर्नमेंट का लैंड है, 90 साल के लिए उसको फिर वापस छोड़ना है या उसके बाद उसका दूसरा रेंट लगेगा। पाइन एंड पिक है, हीवन है, रेडसन है, वो यहाँ पे वेलकम होटल ITC, रॉयल हिल्टन है, फिर पार्क है, बहुत बड़े बड़े होटल हैं, एक से एक होटल है। और यहाँ कुछ टूरिस्ट तो ये भी होंगे ना जो महीना महीना रुकते होंगे? नहीं, महीने पर यहाँ रुकता नहीं कोई से। हाँ, अब आया इस बार बोला अगले बार हम आएंगे, 20 दिन 25 दिन महीने भर रहेंगे ये गर्मियों में। आएगा तो सकेगा, नहीं मौसम अच्छा होते रहेगा। हाँ, और ऐसा टूरिस्ट आता रहेगा तो फिर तो आएगा ही आदमी। हाँ, अब जैसे लोग गोवा रहते हैं, गोवा महीना महीना रुकते हैं लोग, नहीं यहाँ डर की वजह से ना हर थोड़ा सा तो रखता ही होगा, वरना यहाँ महीना क्या 2-2 महीना बैठेंगे यहाँ, 2-3 महीने बैठेंगे यहाँ, मगर ये डर की वजह से ना यहाँ मिनटों में श्रीनगर की तरफ जो है ना हालात खराब हो जाता है। मेन तो सब श्रीनगर से ही होता है ना जो होता है। आपको गुलमर्ग और पहलगाम में भी कोई माहौल खराब होता नहीं, है? नहीं नहीं, इन दो जगहों पे कहीं नहीं, खाली बस बंद हो जाता है मार्केट। हाँ, तो अपने आप जब वहाँ पे भी कुछ हो जाएगा तो यहाँ अपने आप बंद हो जाता है, यहाँ ऐसा हमने आज तक देखा ही नहीं। बट श्रीनगर तो मैंने देखा जाए तो कितना छोटा है, पहलगाम हो गया, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, या आस पास के छोटे छोटे गाँव होंगे बस। नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत जगह है जहाँ अभी गाड़ी नहीं जाता, डर की वजह से टूरिस्ट नहीं जा रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नेट 2 दिन दिखा रहा था यहाँ बारिश। यही तो है सुहाना कश्मीर, यहाँ ज्यादा गर्मी में मजा नहीं आता यहाँ बिल्कुल। अरे श्रीनगर में तो ऐसे परेशान हो गए थे गर्मी से, बहुत गर्मी हो रही है वहाँ तो।
इधर ये थोड़ा सा कूल हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वी आर एट बेताब करने वाली वैली, बेताब वैली, एंड हियर इज ऋतिकुश अगेन, सेम थिंग अगेन, गेट पिस्ड ऑफ फ्रॉम दिस थिंग्स, शी डिडंट से एनीथिंग टू यू, एंड वी आर एट बेताब वैली, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एज यू कैन सी हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, माउंटेन्स के बीच में हम चल रहे हैं विद रिवर। देखो पानी वहां से आ रहा है। उस तरफ से आ रहा है पानी। पानी का दो है मुंह, एक लेफ्ट साइड जा रहा है, एक राइट साइड से ऐसा आ रहा है। तो कैसा लग रहा है डॉक्टर कुश? हे डॉक्टर कुश, कैसा लग रहा है? इधर आ जाओ, ये देखिए चाइनीज बनी हुई है, चाइना से आया मेरा माल, मालिक प्यारी समझ गई।